दोस्तों वेलकम माय चैनल इंशाटेक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्नाटक बैंक का आप कैसा पीडीएफ ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना लास्ट में आपको दिखने के बाद। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्नाटक बैंक का आपने स्टेटमेंट डाउनलोड किया तो पासवर्ड मांगता है और कभी कभी आपको ऐप नहीं होता, इसके लिए भी नहीं खुलता। आपको एक पीडीएफ व्यूअर का ऐप डाउनलोड कर लेने का है। आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखने का है, गूगल पीडीएफ लिखेंगे तो आपको ऐप स्टार्टिंग में दिख जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके इसको आपको तब ओपन करने का नहीं रहेगा तो ये ओपन नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इधर पीडीएफ दिख रहा है आपको कर्नाटक बैंक का, तो उसको आपको क्लिक करने का है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन मांगेगा कौन से उससे आपको खोलने का है, क्लिक करने का है। देखिए तो यहाँ मैं एक पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता जिससे आपको व्यू करने का है। तो गूगल पीडीएफ व्यूअर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा अभी आपके सामने। आपके पास नहीं है तो आपको डाउनलोड करने का है, नहीं तो नहीं खुलेगा आपका। कोई भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गूगल का, आपको नहीं चाहिए तो। तो यहाँ आपको क्या डालने का, डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, आप अपना कस्टमर आईडी से भी खोल सकते हो, तो आप दोनों तरीके से खोल सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, आपको डेट मंथ ईयर डालने का है और कस्टमर आईडी आपके पासबुक में होता है, वो पासबुक में आपको देख के यहाँ कस्टमर आईडी डालोगे तो आपको खुल जाएगा। तो दोनों आप तरीके से खोल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ और कस्टमर आईडी से। तो चलिए हम अभी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पहले आपको कस्टमर आईडी डाला था तो ऐसा करके आपने डेट ऑफ बर्थ और कस्टमर आईडी करके आपको ओपन दिखता है, कैंसिल के बाजू में ओपन है, उसको डाल के आप ओपन कर सकते हो। तो मैं अभी ओपन पर क्लिक कर लूँगा। तो अभी मैं आपको इधर शो नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, मेरा उधर से कॉपी करेला और इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा मैं अभी। देखिए हमारा ये ओपन हो गया और ऐसा करके आप दोनों खोल सकते हो। तो आपको इसमें मैंने अपना कस्टमर आईडी नहीं दिखाया उसके लिए, ऐसा ओपन हो गया तो आप डेट ऑफ बर्थ और कस्टमर आईडी डालोगे तो आपका खुल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आपको नहीं खुल रहा तो नीचे आप मुझे कॉमेंट करके